जय जोहार संगवारी हो। संगवारी हो करीबन मैं है ना रानाखुजी गांव पहुंचने वाला हूं और ममलेश्वरी माता के दर्शन के बाद अब मैं जाता हूं रानाखुजी में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक देखे हुआ। और पहली बार मतलब अभी तक चालू हो इतना दिन हो गए लेकिन अभी तक एक बार देखे नहीं हो, तो मैं दिखाऊँ पूरा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आप मल्ला और वीडियो में बने रहूँ। और ओकर सवर संगवारी हो वीडियो जरूर लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ, शेयर करूँ। चलिए अब हम रानाखुजी के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक देखे जाबो। चल था ना छत्तीसगढ़ ओलंपिक राम राणा खुजी हो गया सर। मैंने खींचू बच्चों का होगा ये इसका रेड मार्क। इधर बच्चे तैयार हो रहे हैं रानाखुजी गांव, ये इसका रेटिंग पॉइंट। मानेज किचु तो पॉइंट निर्धारण किया जा रहा है अभी और बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे खींचना है। इतना भीड़ है यहाँ पे अभी। जो भोजन ग्राम नहीं आता
ओजन जीती लगा थे तो ओजन लगा थे एक पार्टनर मगा के कोई ना हां चलिए हम बच्चों छत्तीसगढ़ ओलंपिक उधर के खिलाड़ी दमदार उधर के भी खिलाड़ी दमदार कमान अरे यार हटो ना पूरी पकड़ जोर से रखे हुए बच्चे लोग एकदम मोबाइल रेडी स्टेडी ये रेड लाइन चालू होने वाला है खींचो खींच 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 खींचो खींचो खींच रहा वो खींचो वो अरे ओ हो हाँ जीत गए रागगढ़ होती कौन जीत गएगा मजा आ रहा है बहुत देखने में इंटरेस्टिंग मूवमेंट है मेरा अभी बड़ा अच्छा लग रहा है तो दिखाता हूँ साइड जो इधर जो हार गए बच्चे लोग इस साइड आ गए हैं और इधर वाले बच्चे जो उधर चले गए फिर से रेड पॉइंट यहाँ पे है अभी आपको साइड से दिखाया था इधर दिखाता हूँ मतलब बहुत भीड़ लगी इसलिए आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ यार फिर दोबारा फिर जीत गया नहीं दोबारा खिलाड़ी बच्चे थे वो जीत गए क्योंकि तैयार नहीं थे लेकिन फिर भी क्या हुआ भाई सिटी मारा गया था चलिए अब कौन सा चाहे ये देखें कि वो कौन सा चाहे देख के आता है कौन सा बोला फिर घर देखते हैं पीछे साइड पे बहुत बढ़िया लग रहा है आज ये आनी पड़ी उसके बाद 1840 वो अच्छे रामकुमार कुमार जी रंजन छत्रपाल और उसके क्या पित्तूल हो रहा था मतलब यहाँ पे इतना सारे प्रोग्राम हो रहा है ना कौन सा दिखाऊं कौन सा ना दिखाऊं क्योंकि उधर एक और सजा हुआ है और इस साइड पे फिर अब बच्चों द्वारा अब पुरुषों द्वारा रस्सा कसम क्या खिलाने में बहुत मजा आता है दोस्तों रस्सा कसम प्रोग्राम फिर देखते हैं अपन का प्रोग्राम तैयारी हो रहा है और इधर के लड़के ऐसे हैं ये आसपास पास दो गांव के बीच चल रहा है और इधर की इस साइड ऐसे ये इसका सेंटर पॉइंट कंप्लीट होगा
तैयारी जोरों शोरों से, कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? इधर के लड़के लोग राकड़ राकड़ दिख रहे हैं, राकड़ मतलब मोहट्टे कट्टे मोटे लोग, और उधर थोड़े से लेकिन पूरा खेल स्ट्रेटजी का होता है, कोई कभी भी जीत सकता है। चलिए देखते हैं, सेंटर पॉइंट है, भैया खड़े हुए हैं एक, और उधर साइड पास है। चलिए चलो होने वाला है, अब इस साइड के लोग क्लियर दिख रहा है। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, खींचो खींच 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 खींच, रागढ़ लोग हार गए और अब दोबारा जगह चेंज कर दी गई, और इस साइड इधर जो उस साइड के तो इधर आ गए हैं, और तैयारी की जा रही है पूरी। जो रागढ़ लोग थे उधर हैं उस साइड पे। इमन कौन सा गांव खड़े भैया, इमन कौन सा गांव खड़े ऐसे का जो उधर दिखाया था, जो रागढ़ लोग थे वो लोग तो हार गए थे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड चल रहा है अभी, और दोबारा रागढ़ लोग थोड़े से और जो हैं इधर हैं इस साइड, अरे देखते हैं, क्योंकि दूर से जाऊंगा तो भीड़ बहुत ज़्यादा और पूरा अच्छे क्लियर नहीं दिख पाएगा, थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ मैं आपको। हेमन जी से फिर से अभी इसको देखने के लिए आ गया है, और पूरा तरफ भीड़ है, आप भीड़ को देख सकते हो कि वीडियो में हर तरफ से प्रोग्राम हो रहे हैं लगातार, और क्योंकि हर प्रोग्राम को मैं दिखा नहीं पाऊंगा, और लगातार यहाँ बहुत लंबे प्रोग्राम चले, लेकिन जो इंटरेस्टिंग रहता है रस्सा कसी का प्रोग्राम, वो मैंने आपको दिखा दिया, और दोस्तों वीडियो जरूर लाइक करिएगा। ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ी ओलंपिक राणा खुद जी का, बहुत ही बढ़िया लगा, और बहुत सारी जगह का मैं एक साथ क्या है ना, देखिए पूरा अगर दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो से, जो शॉर्ट में जो मज़ेदार रहता है वो मैंने आपको दिखाया, रस्से कस्सी का प्रोग्राम जो बच्चों द्वारा महिलाओं द्वारा किया गया, सबसे बेहतरीन तो महिलाओं द्वारा किया गया, बहुत अच्छा लगा देख के, और इतना ही प्यारा मेरे वीडियो बनाए रखे हो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। चलिए दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि मुझे अब घर के लिए रास्ता खोजना है, जो मुझे पता ही नहीं कि रास्ता कौन सा कहाँ से गया है। तो जब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।